सलाम अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नहीं मेजाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ, आप जैसा कि जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फी हमारे साथ हैं और एक बेहतरीन लोकेशन हमने आज जो है वो डिसाइड की है। आज आपने क्या खाना है? खाना है, मैंने एक प्लेटर ऑर्डर करी है। एक डील इनकी सुना है, बहुत अच्छी है, 1699 मतलब 1700 रुपये। और इनका दावा यह है कि ये डील इस महंगाई के अंदर बेहतरीन चल रही है, तो आज हम इसीलिए इस डील को चेक करने आए जी, ताकि अगर अच्छी है, मज़ेदार है, तो फिर आपसे इसको शेयर लाजमी करेंगे, और अगर ख़राब भी हुई वो भी शेयर लाजमी करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ये देख रहे हैं ना स्टाइल, आप फुल चौधरियों वाला ना, अच्छा ये स्टाइल आता हाईवे के ऊपर। तो आज मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, अगर आपने मिनी हाईवे के मज़े लेने 1700 रुपये के अंदर अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हाईवे के रेस्टोरेंट्स आपको पता है 8000-10000 का बिल इससे नीचे नहीं आता ना, तो ये मिनी हाईवे हम कह सकते हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, मुझे खुद भी हंसी आ रही है हाईवे कहते हुए इसको, लेकिन आप समझ सकते हैं। अगर हम अंचोली से आ रहे हैं, सौराब गोड से आ रहे हैं और नागन चौरंगे की तरफ जाना है, तो बीच में शफीक मोड़ आता, तो बिल्कुल शफीक मोड़ पे हमारे लेफ्ट हैंड पे ये रेस्टोरेंट पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शफीक मोड़ पे इंडस्ट्रियल एरिया गोधरा वाला रोड स्टार्ट हो जाता, तो बेहतरीन लोकेशन है, हाईवे के मज़े आप ले सकते हैं। मेरे सामने वो देखें, कैमरामैन दिखाएं ज़रा, वो टैंकर जा रहा है, ट्रॉले जा रहे हैं यहाँ से, तो यही चीज़ें आपको हाईवे पे भी मिलती हैं, ट्रैफिक मिलता है, हैवी ट्रैफिक मिलता, तो ये इसको हम कहेंगे मिनी हाईवे। तो यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें अपने खाने को अपनी फैमिली के साथ। जबरदस्त बेहतरीन कढ़ाई है, अब इसको चेक करेंगे। दिखने में तो बहुत प्यारी है भाई, अब जायका कैसा है ये कंफर्म नहीं है, देख के बता। अच्छा व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ फी मौजूद हैं आज, और इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो आज हम दोनों मिलके खाने का रिव्यू करेंगे और बारी बारी देखते हैं। आप पहले क्या ट्राई करेंगी? मैं ये चेक करती हूँ, मलाई बोटी। चलो, पराठा या रोटी? मैं ऐसे टेस्ट करके देखती हूँ। ऐसे अच्छा है, ठीक है। अब किसका नंबर? थोड़ा सा अब हम ये रोस्ट चेक कर लेते हैं। चलो, थोड़ा सा मैं भी चेक करता हूँ, आप सब अकेले खा जाएंगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा भाई। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दोनों का हिस्सा होना चाहिए बराबर। क्या कहते हैं आप? आपने मायो के साथ नहीं लगाया, मायो के साथ लगाएं टेस्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं चेक करती हूँ केचप के साथ। मायो अच्छा है, मायो का टेस्ट आ रहा है, और रोस्ट जो है जूसी है, मायो गार्लिक है, जूसी भी है, मायो गार्लिक है, और अच्छा टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है। अब मजा आया रोस्ट का? जी, जूसी है, मतलब वो खुश्क नहीं है जो बहुत सारी जगहों में बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा होता है, वो नहीं है, जूसी ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट पास हो गया, फी ने जो है मलाई बूटी पास किए। अब कहाँ छापा मारना है? कढ़ाई चेक करते हैं। कढ़ाई जबरदस्त, चलें जी आ जाए। पराठा आप रोटी? पराठा पास करें, पराठे चेक कर लेंगे ये, तब इंसाफ होगा कढ़ाई के साथ। आप चेक कर, कैसी लग रही है आपको? ये इनके जो शेफ थे ये कह रहे थे हमारे स्पेशल कढ़ाई है। अच्छा, कढ़ाई स्पाइस बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है।
ठीक है मतलब बस मैं ये कहूँगी कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल कढ़ाई है, जैसे नॉर्मल आपको मिल जाती है हर जगह पे। बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, अच्छा नहीं, नॉर्मल कढ़ाई। अब आप एक काम करें, जिंगर आप चेक कर व्यूअर्स, आपको पता है जिंगर जो है ना बड़ी बदतमीजी से खाया जाता है, लिहाजा अगर कहीं इधर उधर लग जाए तो इग्नोर। अच्छा इसको पहले देख लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसकी पेटी अच्छी है, अच्छी है। अब सॉसेस भी डाले मैं, सॉसेस का टेस्ट कैसा आ रहा है अब ये तो जब मुंह में जाएगा तो पता चलेगा भाई। केचप प्लस मायोनीज, देखिए मैंने पहले ही बता दिया इधर उधर लग जाए तो हंसिएगा मन, हंसिएगा मन। ओह माय गॉड, ये इधर उधर लगा लग गया, टिश्यू पेपर की जरूरत है। देखिए इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में भाई, क्यों सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलत कहा है मैंने कभी? नहीं ना, बिल्कुल आप गलत कहते नहीं। अच्छा व्यूअर्स, जिंगर अच्छा है, जूसी है, बेहतरीन सॉस का जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। प्लीज अब आप इसको रखेंगे तो मैं टिक्का चेक करूं। अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा भूख लग रही है आप, हमारी जो फी है ना जरा भूख के मामले में थोड़ा सा जज्बाती हो जाती है, तो अगर कभी आपको जज्बात नजर आए तो समझ जाइए कि इनको भूख लगी हुई है थोड़ा सा इसी मायू के साथ। ये टिक्का जो है ना मुझे अच्छा लगा, मुर्गी का है ना। चले जी हम भी देखते हैं। मैंने भी मुर्गी का ही कहा है, तो क्या कबूतर का टिक्का है, मैं समझा है बटेर का टिक्का है। चलें बटेर भी खिलाएंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा व्यूअर्स, जैसा आपको पता मैं हर वीडियो में इसका जो एंड होता है और आपको इसका रिव्यू देता हूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फी और ये मास्टर शेफ भी हैं, आज हम इनसे रिव्यू लेते हैं कि, तो अब मुझे आप बताएं मलाई बोटी और टिक्के को एक साथ ही ले आए आप जरा। दोनों अच्छे थे, खाया मैंने, और एक बात मैं ये कहूँगी कि इस महंगाई के दौर में अगर ये 1700 में इतना बड़ा प्लेटर आपको दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं है, बल्कि ये खुद उन्होंने कहा है कि हम एक इंसानी खिदमत कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल, मतलब ये समझ लें कि 1700 के अंदर आपको फास्ट फूड भी मिल रहा है। अगर किसी फैमिली के चार मेंबर हैं जी, तो मेरे हिसाब में ये चार बंदे पेट भर के आराम से 1700 में। मैं ये कहती हूँ कि चार नहीं, अगर 5% भी है तो आराम, अगर मतलब कोई तीसरा बच्चा छोटा भी है, एक नॉर्मल फैमिली जो है 1700 में बेहतरीन एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट की बात करें, आपको नॉर्मल जगह पे ये एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हर जगह आपको पता है आजकल तख्त जो है वो बहुत ज़्यादा चल गए हैं, टेबल चेयर्स होती हैं, लेकिन मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ज़रा हमारे बैक साइड पे भी दिखाएं, ये पूरा एनवायरनमेंट जो है ना जैसे हम घर में खाना खा रहे होते हैं, हम नीचे आराम से बैठते हैं और दस्तरखान बिछाते हैं, तो ये बिल्कुल उन्होंने घर वाला माहौल बनाया। जी जी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पुरसकून है, तो ग्रीन स्मोक को हम रिकमेंड करते हैं, आना चाहिए यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ। हाँ, जरूर आए, माहौल बहुत अच्छा है। और फी फास्ट फूड के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, खा तो सारा लिया आपने लेकिन बताया कुछ भी नहीं। नहीं, फास्ट फूड के बारे में भी मैं बताऊंगी कि बहुत अच्छा लगा मुझे, फास्ट फूड अच्छा है इनका, और मुझे एक चीज इनकी बहुत जबरदस्त लगी है, ये जो फ्राई हुआ है ज्यादा हैवी नहीं है, मतलब अक्सर लोगों पे बहुत ज्यादा ऑयली हो रहा होता है, बहुत ज्यादा हैवी, अगर आपने खा लिया तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हैवी कढ़ाई की जहाँ तक अब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कढ़ाई नॉर्मल है, मैंने खाया, मैंने सब कुछ चेक किया, मजे का है। बाकी बारबेक्यू क्योंकि इनको ज्यादा पसंद होता है तो इसलिए मैंने उस पर जरा हल्का हाथ रखा था, इसीलिए मैंने बारबेक्यू के जो रिव्यू है वो फी से लिया, अच्छा लगा।
ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। फिर एंड में मैं यही कहूँगी कि आजकल इस महंगाई के दौर में ये बहुत अच्छा एक इन्होंने रखा हुआ है, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं एक तरीके से। बहुत अच्छा प्लेटर है और ये देखिए ना आप, इतना बड़ा प्लेटर है और इन्होंने जो है कढ़ाई, अगर हम जिंगर था जिंगर, अगर हम वन बाय वन इसकी प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स ये तकरीबन 2300 या 2500 के करीब करीब ये चीजें बनती हैं। अगर हम एक एक चीज लें या कहीं और से हम लेते हैं, नॉर्मली ब्रोज जो है वो 450-400 का चल रहा है, जिंगर 400-450, तो सिर्फ दो चीजें ही 900 रुपए की हैं। बाकी कढ़ाई, टिक्का, मलाई बोटी ये सब आजकल अगर कहीं बंदा बाहर अपनी फैमिली को लेकर जाता तो 3000-4000 से बिल नीचे नहीं होता, तो ये 1700 में इतना कुछ मिल रहा है, जबरदस्त। हाईली रिकमेंड। हम यही कहेंगे कि आप लोग आएं, ग्रीन स्मोक और एंजॉय करें। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है आप लोगों तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।